वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीज और उसके वेरियस टाइप्स। दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिसीज़ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, कैसे अफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर इसे कंट्रोल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिसीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, डिसीज़ के जो हैं वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर बेसिकली कुछ कॉमन चीज़ों की बात की जाए तो इनके दो मेन टाइप होते हैं। एक तो होता है कॉन्जेनाइटल डिसीज़ जो कि मेन होती है, और दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। ठीक है, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि आई एक्वायर्ड दिस थिंग इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ अर्जित की है। एक्वायर्ड मीन्स अर्जित करना, यानी कि आपने अपने पैदा होने के बाद कौन सी चीज़ खुद से कमाई, वो एक्वायर्ड है। एंड कॉन्जेनाइटल क्या होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली। तो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ में क्या डिसीजेस आएंगी, वो डिसीजेस जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, यानी कि सिंस बर्थ ही आपके बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एंड द कॉज मे बी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसीज़ तो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, तो इसमें आपका कोई रोल है भी नहीं। क्या कर सकते आप, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस। कोई बच्चा जो होता है वो कलर नहीं देख पाता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई कलर नहीं देखता है, वो सिर्फ ग्रीन और रेड कलर नहीं देख पाता है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज़ है, ये कॉन्जेनाइटल डिसीजेस हैं, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आप दूसरा जो होता है वो एक्वायर्ड, जो यानी आपने अपनी लाइफ में अर्जित की। किस वजह से अर्जित की भैया, अपनी गलतियों की वजह से, है ना, कुछ तो ऐसा किया होगा। तो ये भी आपकी दो टाइप की होती हैं, जिसमें एक होती है जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो इन्फेक्शन क्रिएट करती है, यानी कि जो कम्युनिकेबल होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। जैसे कि आप देखिए, ये जो कोविड वाला केस चल रहा है, तो ये कैसे डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, हाईली इन्फेक्शियस कह लो, तो तभी तो कितना मास्क वास्क लगा के लोग जा रहे हैं। और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि ये डिसीज़ जो होती है एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कि जो एक दूसरे को छूने से फैल सकती है, वो कैसे फैलेगी, या एक दूसरे को क्या जाके डायरेक्ट छू रहे हो तब फैल रही है, या फिर इनडायरेक्ट छूने से फैल रही है, तो ये आपकी फिर फर्दर आप दो टाइप में इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो जो होता है जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, यानी इसे हम लिखेंगे, ये होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है आपका नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप उसके कांटेक्ट में आए और सीधे सीधे वो आपको हो गया। ठीक है, जैसे कि किसी को फ्लू होता है, जुकाम होता है, तो वो आपके सामने छींक रहा है, आपके वो ड्रॉपलेट बॉडी के अंदर चले गए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। टीबी के पेशेंट को आपने गए और हाथ से छुआ, उसके बर्तनों को यूज़ किया, आपको भी टीबी होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। कोविड वाला केस डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब आप उसके यूज्ड आर्टिकल्स को अगर छू रहे हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर वो डिसीज आ जा रही है, उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन छूने की वजह से नहीं हो रहा, पर घूम के वो आप तक आ रहा है, तो ये मलेरिया इसका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का। कैसे भाई, मलेरिया आपको एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये मच्छर क्या करता है, ये अपने बड़े बड़े पंखों को लेके आता है आपकी बॉडी में और आपको काटता है, और क्या करता है, आपका ब्लड पीता है, और इसके बॉडी के अंदर ये मच्छर बेचारा कुछ नहीं करता, ये मच्छर तो वेक्टर होता है, इसके अंदर जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, और ये प्रोटोजोआ इसके सलाइवा से आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है। कहीं से तो उस प्रोटोजोआ को लेकर आया था, तो जिससे लेकर आया था वो बीमार था और उसने आपको भी बीमार कर दिया, और उसका जो ये बना बीच का सोर्स वो क्या बना, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताऊं कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है ना, ये आपका ब्लड पी के अपना पेट नहीं भरती है, इसका पेट आपका ब्लड पीने से नहीं भरता है, इसका पेट जो है वो आपका जो फ्लावर का नेक्टर होता है उसको पीने से भरता है। मगर तो फिर आपका ब्लड क्यों पीती है, उसका कारण है आपका ब्लड प्रोटीन है, और इसको क्या चाहिए, अपने एग लेइंग के लिए प्रोटीन चाहिए, इसीलिए ये आती है और आपका ब्लड पी के मस्त निकल जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने अंडों के लिए माँ है बेचारी, देखो कितना अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर रही है। ओके, तो ये अपने अंडे को लेस करने के लिए जो है, लेइंग के लिए, एग लेइंग के लिए इसको प्रोटीन चाहिए होता है, और वो प्रोटीन इसे आपके ब्लड से मिल जाता है, इसीलिए आपका ब्लड चूसने के लिए आती है और पहले थोड़ा सा स्लाइवा आपके बॉडी में डाल देती है, और जिससे कि ये आपका जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मा
प्लाज्मोडियम, वो भी आपके बॉडी में चला जाता है। तो ये था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल। अच्छा, अब आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब कि जो किसी के छूने से नहीं फैलती है। तो भैया अगर छूने से नहीं फैलती है तो मगर डिसीज़ तो है ही ना। कैसी डिसीज़ है? एक्वायर्ड डिसीज़ है। एक्वायर्ड मतलब आपने अपने पैदा होने के बाद ही अपनी लाइफ में ये अर्जित कर रखी है। तो किस वजह से करी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नॉन इन्फेक्शियस में पहली आती है डेफिशिएंसी डिसीज़। अब देखो आजकल के बच्चे बहुत महान हो गए ना, बहुत अच्छे बच्चे हो गए। कहते हैं नहीं हमें शिमला मिर्च नहीं खानी है, कोई कहता है नहीं हमें टमाटर नहीं खाना है, कोई कहता है छी छी आलू कोई खाने की चीज़ है, आलू नहीं खानी मुझे, कोई कहता है बैंगन मैं नहीं खाऊंगा। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ जो है इन्हीं इसी चीज़ों की वजह से होती है, नहीं खाऊंगा। यानी कि आपके बॉडी में क्या होने लगता है, कुछ खास चीज़ों की कमी हो जाती है। आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपका जो है मेटाबॉलिज्म वो भी गड़बड़ होता है और बॉडी में कुछ खास चीज़ों की कमी हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो दूध नहीं पिएंगे तो उनके बॉडी में प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इवन वो दाल खाना भी पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि उनके घर में नॉनवेज बनता नहीं है इसलिए प्रोटीन का सोर्स खत्म। तो ठीक है, तो क्या होगा, उनको डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी डिसीजेज जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, कई चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, एनी विटामिन और एनी मिनरल्स। ओके, नॉन इन्फेक्शियस का पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है आपका मेटाबॉलिक डिसीज़। मेटाबॉलिक डिसीज़ ये आपके नॉन इन्फेक्शियस का ही दूसरा टाइप है। भैया इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि आपके खान पान की आदत की वजह से। तो जनरली यही सब डिसीजेज इसमें आती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका जो है कैंसर हो गया। कैंसर, वो कैंसर भी तो बच्चा जब पैदा होता है, इंसान जब पैदा होता है तभी तो वो एक्वायर्ड करता है अपनी लाइफ में कैंसर। तो कैंसर किस वजह से होता है? आप देखो आजकल कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे एक बूबू थे वो तो खूब ड्रिंक करते थे, खूब गुटखा खाते थे, उनको तो कैंसर नहीं हुआ। और एक मतलब अभी 30-32-35 साल का कोई आदमी था, उसने कभी तंबाकू को छुआ भी नहीं, उसको कैंसर हो गया। क्योंकि हम लोग को ये बोला जाता है ना कि कैंसर जो है वो गुटखा तंबाकू और शराब पीने की वजह से होता है। तो बेटा ऐसा होता है कि इनकी वजह से तो होता ही है, इवन इनके पाउचेस में भी लिखा होता है दे कॉजेस कैंसर, यानी कि होगा, हो सकता है नहीं लिखा होता है बेटा, होगा लिखा होता है। ठीक है, तो होगा का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है जिसने तंबाकू खाया उसको तो हुआ, पर जिसने नहीं खाया उसको कैसे हुआ? तो ये कैंसर बेटा एक वायरस के वजह से भी होता है, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यस, कैंसर एक वायरस की वजह से भी होता है। इसके अलावा कई सारे जो हैं वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे पॉल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो ये सब भी कैंसर को जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा और क्या इन्फेक्शियस डिसीज़ में ही आता है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आता है? तो इसका अगला टाइप होगा, अभी भी मैंने आपको बताया था एलर्जीज। ठीक है, तो एलर्जीज जो होती है वो भी इंसान जो है अपनी लाइफ में ही अर्जित करता है पैदा होने के बाद। ओके, तो ये था आपका क्या एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है एलर्जी का, कोई डस्ट पोलन ग्रेन से एलर्जी जो होती है बहुत कॉमन एलर्जी है। इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का आपका जो ये लास्ट टॉपिक है आपका क्या इंजरीज, यानी कि आपको इंजरी हो गई है। इंजरी का मतलब क्या होता है, आपको चोट लग गई है। इंजरी का मतलब होता है आपको चोट लगी, सपोज़ भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया है सपोज़, ठीक है, और उसके साथ आप बैठ रहे हो, तो क्या आपको वो भी आपके हाथ पे भी कोई असर पड़ेगा? नहीं होगा। तो ये सारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ फैलने बैठने से नहीं फैलती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डिसीज़ की बात करें तो इसमें एक टाइप और आप ऐड कर लीजिएगा, ये होता है आपका एक्यूट डिसीज़ और दूसरा होता है आपका क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है, तो एक्यूट डिसीज़ क्या होती है, वो डिसीज़ जो हमारे बॉडी में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, बॉडी पे बहुत हल्का सा इफेक्ट करती हैं और फिर सही हो जाती हैं। जैसे कि ज़ुकाम, फ्लू, एक दो दिन के लिए होता है, आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं करता है और आप ठीक हो जाते हो। क्रॉनिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं विच हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन अवर बॉडी, जिनका हमारी बॉडी पे बहुत लंबा इफेक्ट होता है। ये डिसीज़ क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड करती हैं, यानी हमारा बॉडी क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इसको होता है। जैसे कि आपका टीबी, ठीक है, टीबी के केस में क्या होता है कि बॉडी जो है लगभग बहुत साल तक, तो ट्रीटमेंट एलिफेंटेटिस, ये डिसीजेस कुछ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे बॉडी में डालती हैं। तो ये थी हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में। अगली वीडियो में फिर कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।